गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। इसमें देखो, सब बच्चे बुक में देखेंगे एक्सरसाइज 5.6 का फिफ्थ सम। देखो इसमें फिफ्थ सम है ये इसका। व्हाट इज गिवन इन दिस? इसमें दिया हुआ है देयर आर 16 ब्लू एंड 20 रेड पेन्स इन ए शॉप। द शॉपकीपर वॉन्ट टू कीप दैम इक्वली इन बॉक्सिस। वट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेन दैट कैन बी पुट इन ईच बॉक्सिस। देखो एक शॉपकीपर है, उसके पास 16 ब्लू पेन है और 20 रेड पेन है। उनको बॉक्स में रखना है उसने, और सभी बॉक्स में इक्वल पेन आने चाहिए। जैसे ब्लू पेन्स हैं, जितने पेन एक बॉक्स में आएंगे इक्वली डिवाइड करना है, उतने ही पेन हर एक बॉक्स के अंदर जो रेड पेन है 20 पेन्स जो हैं उतने ही रेड पेन आएंगे। तो इसमें देखो ये फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना है। इसमें लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, इस प्रकार के जो आते हैं ना उसमें HCF निकाला जाता है। तो इसमें भी HCF निकलेगा। देखो इसमें नंबर ऑफ ब्लू पेन्स कितने, देखो ये नंबर ऑफ ब्लू पेन्स 16, नंबर ऑफ रेड पेन्स कितने हैं 20 है। अब देखो HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? 16 से हम 20 को डिवाइड करते हैं। देखो आपको निकालना बता रखा है मैंने, 16 बन जा 16। अब रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है इसको बाहर रखेंगे और 16 को यहाँ पर अंदर रख देंगे। इसको ये जो 16 है यहाँ लिख देंगे इसको, और इसको फिर डिवाइड करेंगे 4 से। 4 4 जा 16 कितना आ गया रिमाइंडर, 0 आ गया। लास्ट में हमने इससे डिवाइड किया था जिससे रिमाइंडर 0 आया है, जिससे लास्ट टाइम जिससे डिवाइड करते हैं वही HCF होता है। HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया 4। ठीक है, देयरफॉर इसमें क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेन क्या हो गए, 4 हो गया इसमें। दिस वाज रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेन, देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए, 4 पेन। हर एक बॉक्स में 4 पेन आएंगे जो इक्वली आ जाएंगे, और जो लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा, इससे ज़्यादा पेन हम हर एक बॉक्स में इक्वली नहीं रख सकते इसमें। अगला देखो ये सिक्स्थ सम देखेंगे, सब बच्चे बुक में देखेंगे। देयर आर 3 रॉप्स, 3 रस्सियाँ हैं। एक रस्सी है 36 मीटर की, दूसरी है 48 मीटर एंड थर्ड है 72 मीटर इन लेंथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इनको देख क्या करना है, इफ़ दे आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस, और उनको हमने इक्वल पीसेस में काटना है। जो 36 मीटर वाली है उसके भी इक्वल पीसेस हों, और जो 48 मीटर वाली है उसके भी इक्वल हों, और जो 72 मीटर वाली है उसमें उसके भी इक्वल पीसेस हों। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस, जो सारी रस्सियाँ हैं ये इकट्ठी होंगी, सारी सबके इक्वल पीस होने चाहिए, और उन पीसीज की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, मतलब सबसे बड़ी लेंथ क्या हो सकती है कि इक्वल पीस आए सबके। मैक्सिमम के लिए, हाईएस्ट के लिए और लार्जेस्ट के लिए क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। इसमें भी देखो ये आपका सिक्स्थ सम है, लेंथ ऑफ 3 रॉप्स लेंथ ऑफ 3 रॉप्स कितनी है, आर 36 मीटर 48 मीटर एंड 72 मीटर ये है। अब इसमें क्या निकालेंगे, इसमें भी HCF निकालेंगे। अब इसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स दिए हुए इसमें। सबसे पहले 2 नंबर्स ले लो कोई से भी, इनका HCF निकालेंगे। देखो ये 36 एंड 48 को डिवाइड करेंगे 36 से। तो देखो डिवाइड करने पर क्या आता है, 36 बन जा 36। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 2, यहाँ पर 12 बचा ये। ठीक है, अब ये जो 12 है इससे हम ये जो 36 है इसको डिवाइड करेंगे। ये देखो 36
ठीक है। अब इससे डिवाइड करते हैं, 12 3 36 36, लास्ट में जो रिमाइंडर जीरो आ रहा है ये, और 12 से डिवाइड किया है तो इनका 36 और 48 का एचसीएफ तो 12 आ गया। अब ये जो एक नंबर और बच रहा है 72, ठीक है, अब हम इसका 12 का और 72 का इनका एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो ये 12 एंड 72, इसको डिवाइड करो, इसको 12 6 72 72 है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब एच सी एफ क्या है, 12 ही एच सी एफ है ये, देयरफॉर एच सी एफ क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये जो एच सी एफ आया है यही क्या है, ये मैक्सिमम लेंथ है उनकी, रिक्वायर्ड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसीज, रिक्वायर्ड मैक्सिमम लेंथ, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैक्सिमम लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 मीटर ये आ गई है। ये करना, थैंक यू।